कोरोना वायरस से संबंधित चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अब तनातनी चल रही है। कई मुद्दों पर उनकी राहें पहले से ही अलग थीं, लेकिन अब चिकित्सा उपकरणों की खरीद ने दोनों के बीच की दूरियों को नए सिरे से बढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जब राज्यों को कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए PPE, N95 मास्क और वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की खरीद नहीं करने का निर्देश दिया तो राज्यों ने इसका विरोध किया। केंद्र ने राज्यों को यह भी कहा कि मंत्रालय उन उपकरणों समेत अन्य संबंधित सामान की केंद्रीकृत खरीदारी कर राज्यों को बांटेगा। केंद्र का कहना है कि वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के हालात पर नजर रखने के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत इस महामारी से निपटने की कवायद कर रहा है। केंद्र ने देश भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और वो चाहता है कि राज्यों को ये चिकित्सा उपकरण केंद्रीकृत आधार पर मिले। केंद्र ने इस सहायता के लिए शर्तें भी जोड़ी हैं। केंद्र सरकार ने देश के और विदेशी विक्रेताओं से इसे बड़े पैमाने पर खरीदने का आदेश दिया है। वे इन उपकरणों को आवश्यकता के आधार पर बांटेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय आपदा कानून 2005 के तहत आवश्यक चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्राप्त समूह पर भी आधारित है। राज्यों से कोरोना वायरस प्रबंधन के लिए अपनी आवश्यकता की लिस्ट हर पखवाड़े देने को कहा गया है। कुछ राज्यों ने केंद्र के निर्देश पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जरूरत के समय परीक्षण किट, PPE मास्क और यहां तक कि वेंटिलेटर प्रदान करने में भी असमर्थ हैं। केंद्र अभी भी खरीद की केंद्रीय प्रणाली बनाने में जुटा हुआ है क्योंकि पहले से उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और संघीय ढांचे में केंद्र को सहायता में कोई शर्त नहीं जोड़नी चाहिए। कुछ राज्यों को लगता है कि केंद्र उसके अधिकारों को हड़पना चाहता है और उसने इस बार NDMA का इस्तेमाल किया है। एक राज्य के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने उपकरण खरीदने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र ने उन्हें 11वें घंटे में आदेश रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। छत्तीसगढ़ ने भी केंद्र के निर्णय पर सवाल उठाया है। कुछ राज्य सरकारें जहां भी ये उपकरण आकस्मिक आधार पर उपलब्ध हैं वहां से खरीद कर रही हैं। केंद्र ने कहा है कि उसने 49,000 वेंटिलेटर, 2.5 करोड़ PPE, 10 करोड़ मास्क और अन्य उपकरण खरीदने का आदेश दिया है। निश्चित रूप से ये केवल राज्यों को ही भेजे जाएंगे। केंद्र ने भारतीय और विदेशी निर्माताओं को एंटीबॉडी परीक्षण सहित लाखों परीक्षण किट का भी आदेश दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई वाली स्वास्थ्य पर मंत्रियों के समूह ने PPE, मास्क, वेंटिलेटर, दवा और अन्य आवश्यक उपकरणों की पर्याप्तता और उपलब्धता के बारे में अवगत कराया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 905 मामले सामने आए हैं, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार तक संक्रमितों की कुल संख्या 9,352 पहुंच गई और 324 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों और एक्सप्लेनर्स को देखते रहने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।